नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं, वो टॉपिक है परमाणु संरचना। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आज हम ये समझ लेते हैं अभी तक कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज उसको देख लेते हैं। तो हमने अभी तक जो है पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की क्या अवस्था, ये देख चुके हैं। और क्या देखे हैं इसके बाद हम देख लिए पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ये देखे ना जो जिसमें ठोस द्रव में और द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा था। ठीक, परिवर्तन हमने देख लिया। और फिर हम क्या अध्ययन कर चुके हैं, इसके बाद हमने पढ़ लिया है क्या तत्व यौगिक और विलयन, इतना कंप्लीट कर चुके हैं। फिर कोलाइडी विलयन हमारा हो गया। ठीक, कोलाइडी विलयन हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना, अर्थात जो ये पदार्थ बने हुए हैं। ठीक है, तो पदार्थ ये जैसे बने हुए हैं तो उस पदार्थ में अंदर क्या क्या होता है, अर्थात उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, आज हम इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके बारे में, पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, ये बात बहुत पहले एक हमारे ऋषि थे महर्षि कड़ादि, उन्होंने बताया हुआ था। लेकिन उन्होंने इस पे ज्यादा विस्तृत इसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद जो है इसके बारे में जो विस्तृत रूप से एक जो है अध्ययन की बात आती है तो डाल्टन की बात आती है। डाल्टन नाम इसमें प्रमुखता से आता है, तो आता है डाल्टन का परमाणुवाद। क्या आता है? डाल्टन का परमाणुवाद। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनना होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने परमाणु की एक परिभाषा दी। क्या दी? परमाणु किसे कहते हैं, इसको नोट करिएगा, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। तो इन्होंने परमाणु की यह परिभाषा बताई, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य है। क्या बताया इन्होंने? बताया परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु मिलकर दो से अधिक भी हो सकते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। इन्होंने ये बताया। तो डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत में अपने ये बातें बताई। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो है परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत के कैसे हैं? उदासीन का मतलब समझते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है,
मतलब वो जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव मिलके उसको न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इन्होंने डाल्टन के परमाणुवाद में इतनी चीजें थी, क्या थी, परमाणु किसी तत्व का वो असूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता परमाणु कहलाता, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जब ये चीजें बताई इसके बाद भी निरंतर जो है इस पे काम होता रहा, मतलब परमाणु के बारे में और जानकारी इकट्ठा होने के लिए काम होता रहा। तब फिर एक आता है आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद और डाल्टन के परमाणुवाद में केवल एक अंतर है। उन्हें अभी हम लोगों ने देखा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, क्या है, अविभाज्य है, और इसमें भी वही चीज बताई गई, क्या बताई गई, कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु की परिभाषा इन्होंने बताई, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। उतना चीज वहां से है, केवल दोनों में अंतर है कि जहां उन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य है, यहाँ पे क्या हो गया, परमाणु विभाज्य, क्या है, विभाज्य है। तो भाई विभाज्य है तो कैसे, किस किस में टूटता है, विभाज्य का मतलब टूटना, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका दोनों में मेन अंतर। दोनों में अगर कोई अंतर है तो परमाणु विभाज्यता और अविभाज्यता का है, इसको आप लोग एक पॉइंट करके नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया परमाणु और पदार्थ का जो है संरचना किस प्रकार की होती है, और उसमें डाल्टन का परमाणु और आधुनिक परमाणुवाद हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, परमाणु हमने पढ़ लिया, तो परमाणु का बड़ा भाई अणु आता है, अणु, ठीक। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक कम से कम दो अणु तो होंगे ही, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं। ये दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को H2 से लिखते हैं, वहीं जल के परमाणु की बात करें तो H2O, ठीक। तो यहां आप देख रहे हैं जल में हाइड्रोजन का दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो जल हो गया या हाइड्रोजन गैस हो गया। तो अणु में क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं, वो परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं और अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं, इसको आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए। एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग के भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका अणु, ठीक है। तो ये हो गया आपका अणु, अणु के बारे में आप जान गए, परमाणु जान गए, अणु जान गए। अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये हमारा परमाणु हो गया, अणु हो गया, तो परमाणु जो है किन चीजों से बनता है, परमाणु विभाज्य है तथा ये किसमें टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये टूट जाता है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसको कैसे दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों का अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे आप भी साथ साथ बनाते चलिए,
आपका ऐसे साथ साथ में एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, और जब भी कोई चैप्टर खत्म हो तो उसके आगे आप जो है कम से कम एक पेज खड़े खड़े में एक पेज छोड़ दीजिए, जिससे कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें हमको उसके बारे में मिले तो हम वहां पे उसको नोट कर लें और हमारा जो है नोट्स और अच्छा बन जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसको सिंबल क्या होता है। सिंबल एक इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसका देख लेते हैं चार्ज, मतलब इस पे आवेश। क्या आवेश? इसका आवेश होता वन दस एक दशमलव छः गुणे दस की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है इस पे आवेश। ठीक, प्रोटॉन पे इस पे निगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, प्लस 1.603 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम लिख लेंगे इसको। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता है। ये हो गया इसका। अब हम देख लेते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है। इसका होता है 9.1095 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक, 1.6750 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg इसका होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इस सिंबल से आवेश 1.603 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतना ही इसमें प्लस में होता है, प्रोटॉन में इस पे कोई आवेश नहीं होता। इनका द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10 की पावर 31 kg, 1.6727 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 1.6750 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है न्यूट्रॉन पे। एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें 26 है, इसमें 50 है, दोनों में लगभग जो है क्या है, द्रव्यमान बराबर है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान, इसको अगर हम उसमें देखें तो इसको इकाई द्रव्यमान मान के इसको 1 मान सकते हैं, इसको अगर 1 माने तो ये इसका 1/1837 भाग होता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो है किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान जो है, केवल केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का ही योग माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 1/1837 भाग होता है, समझ रहे हैं, उसका मतलब कोई वैल्यू बहुत निगलेक्ट उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हो गई। अब इसके जो है खोजकर्ता हम देख लेते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ईटा पे नाच, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ईटा थॉमसन। ठीक, प्रोटॉन का उस हिसाब से होना चाहिए रदरफोर्ड, अभी हम बताते हैं इसमें रदरफोर्ड। ईटा पर नाच से हो गया, चा से हो गया चैडविक, न्यूट्रॉन का होगा चैडविक। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन दिया हुआ, ध्यान रखिएगा गोल्ड स्टीन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले गोल्ड स्टीन को सही करेंगे, नहीं दिया है तो रदरफोर्ड को सही करेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपी 3SC में, वहां पे गोल्ड स्टीन को ही सही माना गया है, रदरफोर्ड भी ऑप्शन में दिया था वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगर नाम पूछे प्रोटॉन, नाम किसने दिया था प्रोटॉन को, तो रदरफोर्ड तब नाम आएगा। आई होप आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो दूर हो गया होगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, आज क्या बताएंगे आज के बाद, गोल्ड स्टीन ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने। ये हो गया। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। ये जो 4 डिजिट तक लिखा गया है इसको भी ध्यान रखेंगे,
क्योंकि यूपी पलसी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका चार डिजिट तक वैल्यू पूछा हुआ था उसने वैल्यू अलग अलग करके, हो सकता है फिर भी पूछ ले क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और नहीं नोट किए होंगे तो आप जो है इसके शॉर्ट लेके जो है वीडियो बैक करके वहां से लिख लेंगे जरूर इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये हो गया, अब हम चलते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं कि परमाणु मॉडल की बात करते हैं, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो इसके इसके बारे में अनेक लोगों ने अनेक जानकारी दी है। तो इसमें आते हैं एक टॉमसन का परमाणु मॉडल आता है, टॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको ध्यान रखेंगे परमाणु मॉडल। टॉमसन ने बताया कि किसी परमाणु में ये जो गोल वाला भाग है ये धनावेश भाग है, जिसमें प्रोटॉन ये धनावेश भाग रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 रहते हैं, अर्थात जैसे तरबूज होता है, उन्होंने परमाणु को एक तरबूज कहा। तरबूज में जो और भाग है मतलब जो खाया जाता है उसको उन्होंने धनावेशित भाग कहा, जो बीज होता है उसको ऋणावेशित भाग कहा। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है धनावेश से बना होता है, उसमें जो है ऋणावेश बीज की तरह रहते हैं। तो आपसे यहां से जब बस यही क्वेश्चन पूछता है और ये पूछता है कि टॉमसन मॉडल को और कौन सा मॉडल कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तरबूज मॉडल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्होंने न्यूट्रॉन का कोई जिक्र किया नहीं, इसलिए इनका ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं और उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें धनावेश में ऋणावेश बीज की तरह रहते हैं बस, और इसको तरबूज मॉडल कहते हैं। फिर आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल बताते हैं इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में, इन्होंने कुछ जो है हद तक काफी हद तक इन्होंने अच्छा बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बीच में एक धनावेशित भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तथा उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। इसी प्रकार से ये जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इन्होंने ऐसे बताया। इनके मॉडल को क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड के मॉडल को कहते हैं आपका सूर्य मॉडल नाम इसको दिया जाता है, या सौर मंडल मॉडल दिया जाता है। इसको इन्होंने सूर्य मान लिया और ग्रह इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस प्रकार इन्होंने बताया, तो इसको सूर्य मॉडल कहते हैं। अब हम यही समझते हैं कि जो ये नाभिक होता है, इसको इन्होंने कहा नाभिक। नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये बाहर है। इन्होंने कहा कि परमाणु के एक छोटे से भाग में नाभिक रहता है, छोटे से भाग में एक धनावेशित भाग होता है परमाणु के अंदर जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं जिसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लिनो कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, न्यूक्लिनो कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लिनो नहीं न्यूक्लियान उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियान, इसको ध्यान रखेंगे न्यूक्लियान, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियान किनका सामूहिक रूप है, तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सामूहिक रूप है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम यही समझ लेते हैं, क्या समझते हैं, ध्यान रखेंगे आप यहीं पे। आइए अब देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक।
इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, यही समझिएगा, किसी भी परमाणु में, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। क्या परमाणु में, शॉर्ट में आप लिख लीजिए, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक। और परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ये भी कह सकते हैं। लेकिन तब के कंडीशन में कहेंगे जब परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से है और किसी से अभिक्रिया नहीं किया है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो इसीलिए जो सही डिफिनीशन है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ये चीज आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं परमाणु भार, क्या समझते हैं परमाणु भार, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब क्या समझते हैं परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु में उपस्थित परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, परमाणु क्रमांक को जेड से, इसको ए से, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है, या प्रोटॉन को किसे डिनोट करते हैं, पी प्लस एन, तो ए बराबर कह सकते हैं पी प्लस एन, बस इतना ही जानना है आपको। इसको चाहे आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो नोट्स आपका बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, नोट्स को हमेशा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करिए जिससे आपको रिवीजन में कम समय लगे। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु भार कहते हैं, तो लंबा हो जाएगा, क्या मतलब है, इतने शॉर्ट में बना लीजिए, ठीक है। तो जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि है समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक, इसको हम बढ़िया से समझेंगे क्या होता है समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक। समस्थानिक क्या होता है, कोई ऐसे दो परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक तो बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसको जो है क्या बोलते हैं समस्थानिक। लिखिएगा परिभाषा, कोई दो परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो बराबर, परंतु परमाणु भार अलग अलग हूं,
तो उसे क्या बोलेंगे, उसे समस्थानी बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के ये तीनों क्या है, परमाणु है। एक पॉइंट और यहीं पे नोट करके लिखेगा या इसके गुण में लिख दीजिएगा, गुण क्या होता है इसका, ठीक, गुण में समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के होते हैं, ठीक। मतलब तत्व जो होगा एक होगा, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, परमाणु क्रमांक तो बराबर है, ये तो हमने पहले भी बताया, परमाणु क्रमांक बराबर होने से रासायनिक गुण भी बराबर होते हैं, रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना नोट करिए आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रासायनिक गुण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इनका क्या होता है, इनका आवर्त सारणी में जब परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, जो आवर्त सारणी बनी हुई है परमाणु क्रमांक के अनुसार ही बनी हुई है, तो जब परमाणु क्रमांक बराबर है तो आवर्त सारणी में इनकी जगह कहाँ होगी, जगह एक ही होती है, ठीक। ये हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं संभारित, ठीक है, आइए देखते हैं संभारित। तो संभारिक क्या होता है कि किन्हीं दो परमाणु, कोई ऐसे दो परमाणु जिनके परमाणु भार बराबर हों और परमाणु क्रमांक क्या हों, अलग अलग हों, उनको क्या बोलते हैं, संभारिक, ठीक है। इसका आप लोग जो है इंग्लिश भी याद रखिएगा, संभारिक, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में संभारिक ना लिख के आइसोबार लिख देता है, आइसोबार लिख देता है केवल, हिंदी में भी लिख देगा आइसोबार, ठीक, खोजते रहिए संभारिक नहीं मिलेगा। तो संभारिक क्या होता है, संभारिक है कोई ऐसे दो परमाणु, जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो तथा परमाणु भार, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप हमेशा उससे आपको कोई दिक्कत, परमाणु भार और समस्थानिक से संभारिक में कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार क्या हो, बराबर हो, पहले उसको ही समझ लेते हैं। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, क्या बराबर हो, परमाणु भार बराबर हो। अब यहां पे इसके इंग्लिश में आइए, आइसोबार, बार भार, जिसका भार बराबर हो तो एक देखिए बराबर होगा, एक अलग होगा, समस्थानिक और संभारिक में दोनों तो यही है। पहले हम भार को क्लियर कर लेते हैं, आइसोबार भार बराबर, तो भार बराबर क्या, तो क्रमांक अलग हो जाएगा और समस्थानिक उसी का उल्टा हो जाएगा, एक याद हो गया, संभारिक कंप्लीट हो गया ना, कि भार अलग परमाणु क्रमांक, सॉरी भार सेम, आइसोबार में क्या, बार भार
भार सेम, क्रमांक अलग अलग। समस्थानी में क्या हो जाएगा, भार अलग अलग और क्रमांक सेम। देखिए याद हो गया हमेशा के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसका एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे होगा कैल्शियम 40, ठीक है, कैल्शियम 40 यहां हो जाएगा, इसका होता है 18, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है। आर्गन AR 18 और इसका 40, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। अब इसके गुण को देख लीजिए, गुण यही होगा कि जो है, देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक जब अलग अलग है तो इनका आवर्त सारणी में भी स्थान क्या होगा, अलग अलग होगा। यही आप लिख लीजिए, आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग, ठीक, अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, परमाणु आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग। हाँ, समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु होते थे, यहां पे अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे। यहां पे लिखिए संभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, तत्व के क्या होते हैं, परमाणु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये जो मैं बता रहा हूं इसको आपको लैंग्वेज में देखे पूछ सकता है, इसमें से संभारिक के संबंध में क्या चीज सही है गलत, ठीक है, दे देगा कि बताइए संभारिक अलग अलग तत्व के, संभारिक अलग अलग तत्व के जो है परमाणु होते हैं या सेम, तो आप बताएंगे अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होगा, संभारिक के वहां पे रासायनिक गुण सेम होते थे ना, यहाँ पे संभारिक के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक व भौतिक गुण दोनों अलग अलग होंगे, रासायनिक व भौतिक गुण दोनों अलग अलग। वहां पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, समस्थानिक में रासायनिक गुण वहां सेम थे लेकिन भौतिक गुण लिख लीजिएगा अलग होते हैं, वो पॉइंट छूट गया था। तो ये हो गया समभारिक का जो है कॉन्सेप्ट। तो परमाणु क्रमांक में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताया। आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार जो है केवल उन पॉइंटों की तरफ हम लोग देख लेते हैं। आज हमने सीखा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, ठीक, हमने ये सीखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, परमाणु और अणु में अंतर हमने जाना, और जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में हमने सीखा क्या होती हैं इनको जाना, और समस्थानिक और संभारिक उससे जुड़े हुए हैं हमने वो जाना। अब आने वाली कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि जो है ये संयोजकता क्या होती है, ठीक है, अणु भार कैसे निकालते हैं, मोल क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, जो इससे रिलेटेड है, मतलब जैसे जब हम संयोजकता सीख लेंगे तो उसी से रिलेटेड अणु भार है, तुल्यांकी भार है, मोल धारणा है, ये सारे चैप्टर जो है हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम रेडियो एक्टिविता पढ़ेंगे, फिर ये वाला जो है परमाणु से संबंधित जो पदार्थ से है समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जो है अम्लछाल लवण की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है मित्र। तो आप लोग जो है साथ बनाए रखिए, आप लोगों को जैसा ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, चाहे तो हम जो है इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास समय, इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को समझा कर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग कोई चीज धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारे दिमाग में वो बहुत दिनों तक स्थायी रहता है, ठीक है। तो आप लोग बस ये काम करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक शेयर करिए, जो आपके मित्र हैं, जो स्टडी ग्रुप है, जो तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, AGTE की कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, अदर भी हर जगह जो है केमिस्ट्री या साइंस तो वही चीज आती है, ठीक है, तो उनके पास शेयर करिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है
क्या और सुधार करने की जरूरत है, अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। हम उस पर काम करेंगे जिससे हम आने वाले समय में और अच्छा वीडियो आपको दे सकें, ठीक है। और जो है आप लोगों के कमेंट जो है हमको मोटिवेट करते हैं, लाइक कीजिए जिससे हम जो है अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।